नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ मंदसौर और रामगढ़ मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई दिन भर की तमाम खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भवानी मंडी क्षेत्र के तहसील पचपाड़ में कल से हो रही झमाझम बारिश के चलते पचपाड़ के मोमन मोहल्ला निवासी मोहम्मद नहीम अंसारी का मकान सुबह क्षतिग्रस्त हो गया और पीड़ित के घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना SDI नगर अध्यक्ष जावेद हुसैन को मिली तो तुरंत प्रभाव से जावेद भाई तहसीलदार और पटवारी से बात करते हुए मकान का मौका मुआयना करवाया ताकि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से सरकार के द्वारा पीड़ित को मुआवजा राशि मिल सके। रविवार को पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। इसी अभियान को समर्पित ट्रस्ट के द्वारा माता के द्वारा विभिन्न प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया जाता है और इसी सभी माता के द्वारा पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर जसोदा भाई, सुमित्रा भाई, रुक्मण भाई, ममता भाई, मांगी भाई, ममता भाई, प्रियंका वर्मा आदि मातृशक्तियाँ वहाँ उपस्थित रही। पिड़ावा के समीप गुरेड़ा गांव में रविवार को समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्री राम मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई और राम प्रसाद दांगी ने बताया कि इस अवसर पर गाँव में ढोल बाजे के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यहाँ कथा व्यास पंडित प्रेमानंद ठाकुर महाराज द्वारा कथा वाचन भी किया जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं आगामी 1 सितंबर को पूर्णावती के साथ कथा का समापन किया जाएगा और इस अवसर पर महाप्रसति का भी आयोजन किया जाएगा। पिड़ाओं में सकल क्षेत्रीय सेन मंदिर समिति के तत्वावधान में चल रही धार्मिक सप्ताह जी अखंड भजन माला के समाज पर रविवार को शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर सेन जी महाराज ने के मंदिर से बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई जिसमें महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश लिए हुए चल रही थी। शोभा यात्रा शहर के वीडियो चौराहा, सुभाष चौक, सुल्तानपुरा, सेठान मोहल्ला, पुरानी कचहरी, आजाद चौक, नयापुरा होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां पर सेन समाज की ओर से अतिथियों का स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर महाप्रसादी का भी आयोजन किया जिसमें शहर सहित आसपास और दूरदराज के से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। पिड़ाओं में मालवी प्रजापति समाज ने गत वर्ष की भांति शनिवार रात्रि को भी सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रविवार को कलश शोभा यात्रा निकाली। शहर के कोटड़ी चौराहे पर स्थित पदनाम स्वामी परिसर में शनिवार रात्रि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का और भजन संध्या का आयोजन किया। इसके बाद परिसर से रविवार को प्रातःकाल DJ के साथ कलश यात्रा शुरू हुई जिसमें महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए हुए चल रही थी। वहीं कई महिलाएं युवतियां भजनों पर नृत्य करती हुई दिखाई दी। शोभा यात्रा शहर के स्टेट बैंक तिराहा, आजाद चौक, नयापुरा, वीडियो चौराहा, सुभाष चौक, सुल्तानपुरा, सेठान मोहल्ला, पुरानी कचहरी होते हुए पुनः पदनाम स्वामी परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां पर प्रजापति समाज की ओर से विभिन्न समाज के अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत भी किया। इस अवसर पर आयोजित महाप्रसादी में शहर सहित आसपास और दूरदराज से हजारों लोगों ने भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मालवा महासंघ और नवरत्न परिवार द्वारा आयोजित देवी आशीर्वाद दाता परम पूज्य आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरशीश्वर महाराजा साहब और नवरत्न परिवार प्रेरक मार्गदर्शक परम पूजनीय आचार्य विश्वरत्न सागर सुरेश्वर महाराज साहब आदि श्रमण श्रमणी भक्ति की प्रेरणा से भारत भर के 1500 जिनालयों में एक साथ एक दिन पर्युषण पर्व के पूर्व में होने वाले जिनालयों का शुद्धिकरण हुआ। अभियान के अंतर्गत नागेश्वर जिनालय का शुद्धिकरण हुआ। नवरत्न परिवार शाखा अध्यक्ष सोनू जैन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मालवा महासंघ और नवरत्न परिवार द्वारा आयोजित जिनालय शुद्धिकरण अभियान के तहत जिनालयों का शुद्धिकरण किया गया जिसमें संपूर्ण मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर का शुद्धिकरण किया। सभी समाजजनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर जिनालय शुद्धिकरण में भाग लिया। जिनालय शुद्धिकरण में जैन श्री संघ, नवरत्न परिवार, नवरत्न बहुमंडल, नवरत्न बालिका मंडल, जैन सोशल ग्रुप सहित समाज जन ने शुद्धिकरण में लाभ लिया। गरोड में भारत विकास परिषद शाखा गरोड के द्वारा नेत्रदान के लिए लोगों को दी जा रही प्रेरणा एवं प्रचार प्रसार का सार्थक परिणाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही मामला कल रात्रि को देखने को यहाँ मिला है। पोरवाल समाज के वरिष्ठ लक्ष्मीनारायण धनोतिया के आकस्मिक निधन के पश्चात उनके पोते अंकित धनोतिया ने भारत विकास परिषद के सदस्य नरेंद्र चौधरी को कॉल करके बताया कि दादाजी का निधन हो गया और उन्होंने नेत्रदान की इच्छा अपने जीवन काल में मुझे बताई थी। परिषद के सदस्यों ने घर पहुंचकर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर श्यामगढ़ से डॉक्टर अमित धनोतिया से संपर्क किया और श्यामगढ़ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंडलिया विनोद काला अपने वाहन से भारी बरसात के बीच गरोट पहुंचे और नेत्रदान संपन्न करवाया। गरोट शाखा ने इस वर्ष यह तीसरा नेत्रदान
करवाया है। स्त्री 2 मूवी में यंग अपार शक्ति खुराना के रूप में नजर आए खड़ाउदा गांव के चाइल्ड आर्टिस्ट दृष्टांत भाटी। हाल ही में रिलीज हुई राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म स्त्री 2 में मंदसौर जिले गांव खड़ाउदा के चाइल्ड आर्टिस्ट दृष्टांत भाटी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने यंग अपार शक्ति खुराना का रोल भी प्ले किया है। दृष्टांत अपने माता पिता के साथ इंदौर में ही रहते हैं और पिता राहुल भाटी और माता सेजल भाटी दृष्टांत के पिता डॉक्टर राहुल आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी चलाते हैं और माता फैशन डिजाइनर है। दृष्टांत ने बताया कि स्त्री मूवी के लिए मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे, फाइनली डायरेक्टर अमर कौशिक सर ने मुझे फिल्म में यंग अपार शक्ति खुराना का रोल के लिए फाइनल कर लिया है। मुझे शूट के 2 दिन पहले फाइनल कॉल आया, अगले दिन में हमें चंदेरी जाकर शूट कराना था। इससे मैं स्त्री मूवी देखी और अमार शक्ति खुराना की बॉडी लैंग्वेज को कैच किया। स्त्री 2 मूवी की स्टार कोस्ट के साथ हमने खूब इंजॉय किया। इसके बाद चंदेरी में हमने 3 दिन का शूट किया। वहाँ हमारा पंकज त्रिपाठी सर के साथ फिल्म का इंट्रो सॉन्ग वो तो पूजा के दिनों में आती है शूट हुआ। इस गाने की शूटिंग के दौरान टीम के साथ खूब इंजॉय किया। गाने के अलावा हमने और सीन भी शूट किए। सेट पर मेरे अलावा 4 और बच्चे भी थे जो धीरे धीरे मेरे दोस्त बन गए। 12 वर्षीय दृष्टांत भाटी ने पहला शो 5 साल की उम्र में शूट किया था। दृष्टांत ने जुर्म और जज्बात में शूट किया था। इसके सारे एड भी शूट किए कर चुके हैं। दृष्टांत ने अपने आने वाली मूवी दिल्ली 2020 में नजर आएंगे और जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी रिलीज होगी। कई फिल्मों में, वेब सीरीज में काम करने के ऑफर भी इन्हें आ रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।